चंदना थाना क्षेत्र में एक तेंदुए के खौफ से ग्रामीण अभी ठीक तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि दो दिन पूर्व खेउटा रामपुर के जंगलों में फिर से तेंदुआ देखे जाने से दर्जनों गांव के ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीण खेतों की तरफ नहीं निकल पा रहे हैं। बता दें कि रविवार को रघुनाथपुर तेंदुआ व खेउटा रामपुर के जंगलों में तेंदुआ देखा गया था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने पगचिन्ह देखकर तेंदुआ की पुष्टि की थी। इसके बाद रघुनाथपुर तेंदुआ खेउटा रामपुर पथरिया अकड़घटा सिढ़ौली सहित दर्जनों ग्रामीण दहशत में हैं। सुंदरलाल सूरज कुमार कन्हैया लाल उदय प्रताप सिंह आदि खौफजदा ग्रामीणों ने आई इंडिया को बताया। थाना संदना क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीणों के लिए तेंदुआ पिछले करीब 8 माह से आतंक का पर्याय बना हुआ है। दिसंबर 2020 में रामपुर खेउटा में रखे गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हुआ तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन करीब 1 माह बाद फिर से उसी क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीण फिर से खौफजदा हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरा तेंदुआ पहले से ही मौजूद है। इससे पहले तेंदुआ मई 2020 में ग्राम हरिहरपुर में सोनू सिंह व उनके सहयोगी पर हमला किया था। ये लोग खेत में खाद डालने गए थे। अक्टूबर 2020 में ग्राम जगदीशपुर के 45 वर्षीय किसान मुर्तजा को उस समय निवाला बना लिया था जब वह खेत में सोच गया था। नवंबर 2020 में ग्राम धरौली में एक भैंस पर हमला किया। इसी माह रामपुर खेवटा में नील गाय के बच्चे को निवाला बनाया था। पिंजरे में कैद हुए तेंदुए को वन विभाग ने दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ दिया था। अब दूसरा तेंदुआ गोमती की तलहरी में विचरण कर रहा है। डीएफओ परवेज रुस्तम ने आई इंडिया को बताया कि गठित टीम लगातार निगरानी कर रही है। तेंदुए को कैद करने के लिए खेउटा रामपुर के जंगल में गुरुवार को पिंजरा रखा जाएगा। नहीं भाई, हमारे यहाँ तेंदुआ है, हैं लड़का बच्चा खात पाते जाते हैं, बड़ा डर लागत है। यहाँ पक्षी दोबारा फिर देखे गए हैं, सब घूम घाम का आवत ऐसी तो इसी तो सब परेशानी है। तेंदुआ दो अभी है यहाँ पर, कट क्या है, कट क्या है, जाता नहीं वहाँ, नहीं खेत सब भाई चले जा रहे हैं बाहर उसके दस से ग्राम खेउटा रामपुर से जिला सीतापुर से मैं मेरे गांव में तेंदुआ आया हुआ है और जिसके कारण खेतों में काम करते हुए डर लगता है और यहां बच्चे और महिलाएं औरतें सारे लोग काम करते हैं, इसके वजह से यहां तेंदुए का अधिकतर डर रहता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। खेउटा रामपुर निवासी हूँ। हमारे जंगल में शेर की दहशत से कोई जंगल या अपने खेत को नहीं जाने की आवश्यकता करता है, ठीक है। और बहुत दहशत लाती मिलती है, दो सुबह सुबह जो जाते हैं देखते हैं इधर उधर, ठीक है। और खेत को नहीं जाता कोई है, दो एक शेरनी है, दो बच्चे हैं साथ में, एक तो पकड़ लिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे यहाँ। और यहाँ पर परसों तेंदुआ देखा गया है, वो लाती देखी गई है, लाती तो दो लग रहे हैं, आगे पीछे चलते हैं, दो तेंदुआ यहाँ भी अभी हैं इस फार्म के, इधर उधर घूमते रहते हैं, इनके पीछे और देखे गए रहते गए रहें, दो दिन पहले भी देखे गए रहें लगती आप, दो तेंदुआ यहाँ पर भी हैं। वन विभाग को कोई सूचना दी आपने? वन विभाग को सूचना दी गई थी, परसों आया तो भेजा था, उस दिन लाती जो है फोटो खींच ले गए थे, खींच करके जो है पिंजरे बताया था पिंजरा लगेगा। हाँ, ये जो है तेंदुआ हमारे वहाँ रास्ते में हमने लाती देखा है। हम गांव सद्दीकपुर निवासी सद्दीकपुर के रहने वाले हैं, हम उधर सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। हमको वहाँ से जब निकले हैं रास्ते में आए हैं यहाँ पर तो हमको लाती दिखी है। इसके बाद में जब लाती दिखी उसके बाद में सिढ़ौली गांव के एक अवधेश सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने जो है वहाँ पर अपने खेत में देखा है, तो उन्होंने परसों बता रहे थे, कल बता रहे थे, कल सुबह की बात है, ये कह रहे थे वहाँ से जैसा पहले पकड़ा गया था उसी तरीके का ये जानवर है, एक वापस चला गया वहीं से है, एक सीधे निकल गया है, दो है साथ में। तो हमको जाने आने में जब लाती हमको दिखी है तो हम ये चीज़ सूचना आप लोगों को कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर
और आपका चहेता हास्य कलाकार मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।